अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गंजू सरकार में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इमरान खान लाहौर से हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च लेकर निकले हैं, जिसमें जम्मा गफीर उमंड आया है। हर कोई इमरान खान के काफिले के साथ रवा दवा है। इसी कारवां के अंदर मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हो गए हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो मुलाहिजा करें जो की सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बहुत तेजी से वायरल है की मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान के लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल हुए हैं और अपनी स्पीच भी कर रहे हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो मुलाहिजा करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मौलाना साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप पीटीआई वालों के साथ बैठ चुके हैं। ये देखे, हम इनको इंसान समझते हैं, बड़ी बात है। नहीं समझते, हर जलसे में हमें डीजल कहते हैं, हमने कभी बुरा नहीं माना। मेरी बात सुने, आप पीटीआई वालों के साथ बैठ चुके हैं, अगर जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज देख ले तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपको नहीं पता? उनको पता है कि हम सस्ते में बिक जाते हैं। इन्होंने तोड़ा नहीं है, अंदर की बात बताता हूँ। इन्होंने हमें 10,000 रुपए दिए। मौलाना साहब, लॉन्ग मार्च का पहला गैर हतमी नतीजा आवाम ने नारे लगा दिए कि हो गए हैं, कि मौलाना साहब चलकर खुद नबाटी चौक में आ गए हैं। क्या आपने क्या सोचकर आप यहाँ पर आए हैं? भाई, मैंने तो पहले भी बताया, आपने पहले भी पूछा था, मैं अब भी बता रहा हूँ, आपका जज्बा देखने आया हूँ। आपका जज्बा ठुस है। आप कहते हैं कि यहाँ पर सारे पीटीआई वाले बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं आधे से ज्यादा तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता। हम ऐसे इंतजाम पर लानत भेजते हैं, किसी ने पानी नहीं पूछे। लेकिन ये मत कहें कि हमने मौलाना को तोड़ लिया। आप टूट गए हैं। मौलाना तो खुद अंदर से टूट गया। रोना नहीं, रोना नहीं। हमें सदर कर के हमारे साथ धोखा किया है।